अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पनीर बनाऊंगी। चूल्हा चालू करते हैं। ये दूध इसके ऊपर रखते हैं। ये 1.5 लीटर दूध है, ये फुल क्रीम है। 1.5 लीटर दूध, मैं ये दूध लेती हूँ गोकुल, वो दूध है 1.5 लीटर। अभी इसको गर्म होने देंगे। ये विनेगर के गिलास में विनेगर डालेंगे, कम से कम 2 चम्मच के हिसाब से इतना। और इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, पानी डालेंगे। जब दूध गर्म हो जाएगा उसके अंदर विनेगर। आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं पनीर। देखिए गर्म हो गया दूध, मैंने पहले से भी गर्म करके रखा था। इसको तो धीरे धीरे विनेगर डालेंगे। हिलाते रहेंगे, धीरे इसको फट जाएगा। ये फटना शुरू हो गया है, फट गया पूरा दूध। इतना सा विनेगर बच गया है, अभी नहीं डालेंगे इसके अंदर। और इसको ज्यादा हिलाएंगे नहीं तो एकदम बारीक हो जाएगा। ये देखिए पूरा पानी येल्लो येल्लो आ गया एकदम। ये देखिए पानी, तो 2 मिनट और पकाएंगे, जो भी बचा होगा वो भी फट जाएगा पूरा। एक जगह हो गया, देखिए चूल्हा बंद करते हैं, फिर इसको छान लेते हैं। पूरा फट गया। मैं 2-3 बार बनाई हूँ। इसको छान लेंगे। अंदर छान लेंगे, छन्नी के अंदर। अब इसको कपड़े में डाल के फिर इसको अच्छे से धो लेंगे, खट्टा पानी पूरा निकाल लेंगे। ये 1.5 लीटर दूध का है। चाहे तो आप ये पानी को सब्जी में डाल सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं। चलिए इसको ना धो लेते पानी से अच्छे से। कपड़े में डाल देते हैं, ऐसा व्हाइट कपड़ा ले लेंगे ऐसे। फिर इसके अंदर ये पलटी कर देंगे। पलटी करके इसको अच्छे से धोएंगे थोड़ा पानी, क्योंकि विनेगर खट्टा रहता है ना, इसके लिए खट्टापन नहीं आता है। फिर तो भी घुमा घुमा के पानी निकाल लेंगे। देखिए पानी निकाल लेंगे अच्छे से। ज्यादा निचोड़ेंगे नहीं। अब इसको कोई भारी कपड़े से इसको रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे।
ये छन्नी में रख के और इसके ऊपर कुछ भारी रख दो। तो ये टोप में पानी डाल के इसके ऊपर रख दो, जो टोप में मैं दूध फाड़ी थी वो टोप में भर के इसके ऊपर रख देते हैं। 2 घंटे या 1 घंटे पानी भर जाए पूरा। छन्नी में रख के पानी रख के रखती हूँ, अभी 1 घंटे में देखेंगे। देखिए तो 1 घंटा हो गया है, पनीर को देखते हैं। देखिए ऐसा बना है पनीर, इसको डब्बे में डाल देते हैं और इसके अंदर पानी डाल के फ्रीज में रख देते हैं। जब इसको बनाना रहेगा, जब इसको काट के बनाएंगे तो डाल देते फ्रीज में पानी डाल के। बॉक्स में मैं पानी डाल दी हूँ और इसको फ्रीज में रख दूंगी, मुझे अभी बनाना नहीं है। जब बनाना रहेगा फिर इसको कट करके बनाएंगे। ये कम से कम 1.5 लीटर दूध में 1/2 किलो निकला है, 1/2 किलो के हिसाब से एकदम। देखें 1 घंटे के बाद मैं निकाली हूँ और फिर इसको मतलब पानी डाल के फिर डाल देंगे, क्योंकि मुझे अभी बनाना नहीं है। इसके लिए बॉक्स में फ्रीज में करके बंद करके रख देंगे। चलो वीडियो एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।